हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायणा केशवा, गोविंदा गरुड़ाध्वजा, गुणनिधे दामोदरा माधवा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने द्वारा रचित पावन परम ग्रंथ रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। इस घनघोर कलयुग में भी शारदीय नवरात्रों में प्रभु श्री राम जी की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसे प्रभु राम जी के लाखों करोड़ों भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ देखते हैं और प्रभु श्री राम जी की कृपा का पात्र बनते हैं। आज मैं भी आपको इस संगीत में कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम जी की पावन परम लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर प्रभु राम के चरणों का ध्यान करते हुए मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की। भक्तों राम की गाथा सुनाए, आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। भक्तों के कष्ट हरने को, भक्तों के पाप हरने को, भक्तों के कष्ट हरने को, भक्तों के पाप हरने को, हरि राम रूप में आए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, राम की कथा सुनाए भक्तों, राम की गाथा सुनाए, राम की कथा सुनाए भक्तों, राम की गाथा सुनाए। रामायण की पवित्र कथा प्रारंभ होती है भक्तों माँ धरती के नारायण हरि के सन्मुख जाने से। रावण के पापों से पूर्णतः त्रस्त होकर माँ धरती ने गैया का रूप बनाया और समस्त देवी देवताओं को लेकर वैकुंठ लोक पहुंच गई। हरि योग निद्रा में हैं कि गैया बनी धरती और देवी देवता हाहाकार मचाते हुए वैकुंठ लोक में आ गए हैं। नारायण हरि ने नेत्र खोले और देखा कि माँ धरती और देवी देवता व्याकुल स्वर में कोलाहल कर रहे हैं। तब धरती माँ ने कहा, हे प्रभु, इस रावण के पाप ताप संतापों से मेरा रक्षण कीजिए, मुझ पर भार बढ़ता जा रहा है। तब नारायण हरि ने धरती माँ को वचन भराया कि हे माँ धरती, मैं शीघ्र ही महाराजा दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा और आप सबके कष्टों को हरूंगा। नारायण हरि ने अपना वचन निभाया। भक्तों, अपने तीन और भाइयों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित अयोध्या नरेश दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। किशोरावस्था में आते ही उन्होंने मुनि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की तथा शिक्षा पाकर महलों को लौटा। उसके पश्चात मुनि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण को लेकर उनके यज्ञों की रक्षा करने वनों में आ गए। प्रभु राम जी की पावन लीला प्रारंभ हो चुकी है। भक्तों, आइए
आगे क्या क्या प्रसंग होते हैं आपको सुनाता हूँ। संग में भाई को लेकर प्रभु वनों में आए, पापी ताड़िका और सुबाहु पल में मार गिराए। गुरु के संग में भाई को लेकर प्रभु वनों को आए, पापी ताड़िका और सुबाहु पल में मार गिराए। चरणों की रज देकर भक्तों नार अहिल्या तारी, प्रभु राम की लीला भक्तों सारे जग में न्यारी। मिथिला नगरी में आए शिव धनुष को तोड़ गिराए, मिथिला नगरी में आए शिव धनुष को तोड़ गिराए। सीता संग ब्याह रचाए, आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी आए भक्तों, जहां मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ था। प्रभु श्री राम जी ने शिव धनुष को भंग कर स्वयंवर की शर्त को पूर्ण किया और सीता जी संग विवाह किया। महाराजा जनक ने अपनी अन्य तीन पुत्रियां उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संग करवा दिया। सजी धजी बारा चारों भाइयों और उनकी वधुओं के साथ अयोध्या आई है। अयोध्या नगरी झूम रही है, नाच रही है, प्रसन्नता मना रही है कि तभी दशरथ जी के मन में विचार आता है कि बस अब समय आ गया है कि मैं अपने पुत्र राम को राजपाट सौंप कर वन गमन को चला जाऊं। जैसे ही ये समाचार अयोध्या नगरी ने सुना, खुशियां और दोगुनी चौगुनी हो गई। परंतु कुटिल मंथरा उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था भक्तों। उसने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी ने अपने धरोहर में रखे दो वरदान दशरथ जी से मांग लिए। पहले से भरत को राज्य और दूजे से राम जी को 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचनों की लाज रखने हेतु प्रभु राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित तापसी रूप में वन गमन को आ गए भक्तों। अब प्रभु की लीला क्या क्या रंग दिखा रही है, अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पावन संगीत में कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जरा एक बार सच्ची श्रद्धा और प्रेम से जयकारा तो बोल दीजिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की। वचन की लाज निभाने प्रभु वनों को आए, केवट नैया में बैठाए गंगा पार लगाए। हाँ पिता वचन की लाज निभाने प्रभु वनों को आए, केवट नैया में बैठाए गंगा पार लगाए। पंचवटी में भ्रात लखन ने कुटिया एक बनाई, शूप नखा रावण की बहन भक्त वहाँ पर आई। लक्ष्मण ने बर्छी चलाई, वो नाक और कान कटाई, लक्ष्मण ने
वो बड़ा ही रुदन मचाई। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, लक्ष्मण जी के हाथों नाक और कान कटवाकर बदले की आग में जलती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के सन्मुख पहुंचती है। खर दूषण उसका ये हाल देखकर क्रोध में धधकने लगते हैं तथा भारी सेना लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सन्मुख पहुंचते हैं। परंतु वो क्या जानते थे कि वो जिन्हें एक मामूली तापसी समझ रहे हैं वो इस सृष्टि के पालनहार नारायण हरि के अवतार साक्षात भगवान राम जी हैं। भगवान राम जी ने अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर खर दूषण और उसकी सेना का एक ही पल में सफाया कर दिया। यह देख शूर्पणखा अपने कटे नाक कान लेकर अपने भाई रावण के सन्मुख आई और हाहाकार मचाने लगी। रावण ने जब सारी बात जानी तो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु उन्होंने माँ सीता का छल से हरण कर लिया। भक्तों सीता जी को खोजते खोजते प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी ऋषि मुख पर्वत के निकट आते हैं जहाँ उनकी भेंट उनके परम भक्त श्री हनुमान जी से होती है और हनुमान जी उनकी मित्रता सुग्रीव राज जी से करवा देते हैं। प्रभु श्री राम जी बाली को मारकर सुग्रीव को राजपाट सौंप देते हैं जिसके बदले में सुग्रीव जी अपनी सारी सेना माँ सीता की खोज में लगा देते हैं। श्री हनुमान जी भी जामवंत अंगद सहित समुद्र किनारे पहुंचते हैं जहाँ जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद कराते हैं और हनुमान जी एक ही कूद में सागर लांग कर माँ सीता की सुधी ले आते हैं और रावण की लंका को जला कर भी आ जाते हैं। अब सागर पर सेतु बांधकर राम जी की सेना लंका में आ गई है और लीजिए लक्ष्मण जी और रावण के पुत्र मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हो गया है। भक्तों मेघनाथ ने माया रचाई लखन पे बरछ चलाई, मूर्छित होकर धरा पे गिर गए भक्तों लक्ष्मण भाई। मेघनाथ ने माया रचाई लखन पे बरछ चलाई, मूर्छित होकर धरा पे गिर गए भक्तों लक्ष्मण भाई। हनुमान जी वैद्यराज को लंका से ले आए, संजीवन बूटी ले आओ वैद्यराज ये बताए। हनुमत उड़ करके धाए बूटी का पर्वत लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, बूटी वाला पर्वत लाकर श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और भरत के समान उन्हें अपना भाई बताया। और इधर लक्ष्मण जी का क्या कहना, मूर्छा के वापस आते ही लक्ष्मण जी एक बार फिर मेघनाथ के सम्मुख युद्ध करने जाना चाहते हैं। भैया राम के चरणों में गिरकर बार बार प्रार्थना की तो भगवान राम ने इसकी अनुमति दे दी। लक्ष्मण जी और मेघनाथ एक बार फिर आमने सामने हैं। भयंकर युद्ध हुआ, मायावी युद्ध का प्रयास मेघनाथ ने फिर किया परंतु इस बार भाई लक्ष्मण
पूरी तरह सचेत थे। उनकी एक एक प्रहार का उत्तर देते हुए अब की बार श्री लक्ष्मण जी ने वो अमोघ शक्ति चलाई कि मेघनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। इसी तरह से कुंभकर्ण, वज्रमुष्टि और रावण के सभी योद्धा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, हनुमान जी और सुग्रीव जी ने एक एक कर मार गिराए। अब वो घड़ी आ गई भक्तों जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि कर रही है। सत्य की असत्य पर विजय होने को है, पुण्य पाप को परास्त करने वाला है। भक्तों, प्रभु श्री राम और रावण एक दूसरे के सन्मुख हैं। एक से एक अमोघ शक्तियां दोनों एक दूजे पर चला रहे हैं। राम जी ने रावण के दसों शीश काट डाले, परंतु वो था कि मर ही नहीं रहा था। ऐसे में विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं ये मरेगा नहीं। तब प्रभु श्री राम ने अग्नि बाण को साध कर रावण की नाभि में मारा भक्तों, और जैसे ही अमृत सूखा रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। तीनों लोग प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। नभ से देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने सीता जी को रावण की कैद से मुक्त करवाया तथा पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या नगरी वापस आ गए। और इधर अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम का कैसे स्वागत कर रही है, आइए सुनाता हूँ। परंतु प्रभु श्री राम की विजय के उपलक्ष में एक जयकारा तो लगा दीजिए मेरे साथ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की। रावण मार के राम लखन सिया लौट अयोध्या आए, नगरी अयोध्या दीप जला कर दीपावली मनाए। हो रावण मार के राम लखन सिया लौट अयोध्या आए, नगरी अयोध्या दीप जला कर दीपावली मनाए। भाई भरत की खुशी न पूछो फूले नहीं समाए, माताएं आरती उतारे मंगल गान तिगाए। श्रृंगार प्रभु करवाए सिंहासन पर बिठवाए, प्रभु राज तिलक करवाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। गुरु ने मंत्र पाठ करवाकर प्रभु श्री राम जी को राज मुकुट पहनाकर अयोध्या का राजा बना दिया। भक्तों, देवी देवताओं ने नभ से पुष्पों की वर्षा की और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार की। देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने प्रभु श्री राम जी को राज तिलक की बधाइयां दी और ढेर सारे उपहार भी प्रदान किए। नगरी अयोध्या ने घर घर में घी के दीप जलाकर उस काली अंधियारी रात को दीपों से रोशन उजियारा बना दिया। भक्तों, नृत्य संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, माताएं मंगल गान गा रही हैं, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चंवर ढुरा रहे हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठकर उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा विहंगम दृश्य ना तो सृष्टि ने पहले कभी देखा था भक्तों, और ना ही कभी दोबारा देखेगी। तो ये थी भक्तों पावन प्रभु श्री राम जी की कथा। यदि कथा कहने में, लिखने में और सुनाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में
क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ प्रभु का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की, बोलिए मैया सीता जी की, बोलिए भैया लक्ष्मण लाल जी की। राम लखन और सीता का सोला श्रृंगार कराए, गुरुदेव ने मंत्र पढ़े और राम को राजा बनाए। ओ राम लखन और सीता का सोला श्रृंगार कराए, गुरुदेव ने मंत्र पढ़े और राम को राजा बनाए। भरत लक्ष्मण चवर ढुराए, हनुमत चरण दबाए, भाई शत्रुघ्न चरण धूल से चंदन तिलक लगाए, नभ से है पुष्प बरसाए, सब जय जयकार लगाए, सब राम दरस है पाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, भगवान श्री राम ने राजा बनकर समस्त आर्यावर्त में राम राज्य स्थापित किया भक्तों, जिसकी चर्चा आज भी इस घनघोर कलयुग में होती है। इसीलिए भक्तों इस घनघोर कलयुग में यदि पाप ताप संताप मिटाने हो तो एक माला प्रभु श्री राम जी के नाम की अवश्य फिराइए। जिस तरह अपने परम भक्त हनुमान जी पर श्री राम जी ने अपनी कृपा बरसाई है, वैसे ही वो आप सब पर ही कृपालु हो, मेरी यही मंगल कामना है। तो ये प्रण लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुलसीदास जी के कहे अनुसार कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप भी चाहे कितने ही व्यस्त हो, जब भी समय मिले आप प्रभु श्री राम जी के नाम का सुमिरन करते रहें। तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए मैया सीता की, बोलिए श्री लखन लाल जी की, बोलिए राम भक्त हनुमान जी की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोया है हमने पहले, जो पेड़ बोया है हमने पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए,
इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम है यही धरा का, सत्य नियम है यही धरा का, इक आ रहे हैं इक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर हो, हर डाल हर पत्ते में समा कर फूल खुशी के खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवन् शरणार्थम्। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुनि लीजै प्रभु अरज हमारी, निश दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही, जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला, दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना, तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, राम
रावण मारे सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पार न पावे, सदा ईश्वर तुम्हरो यश गावे। चारियु वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लजा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुर पतिता को पार न पाही। नाम तुम्हारा लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरम पारा, चारियु वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज तुम कीन्हो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत सोभारा, पावन को तुम्हारो पारा। भरत नाम तुम्हरो उर्धारो, तासु कबहु नारण में हारो। नाम शत्रुघन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु करनाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यम हूँ किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता नाम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुम्हरे नित पाव पटोलत, नवो निधि चरणन में लोटत। सिद्धि अठारह मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। और हूँ जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की वारा। जो तुम्हारे चरणन चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनुपा। सत्य 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 व्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारो फल पावे।
सत्य शपथ गौरीपति कीन्ही, तुमने भक्त ही सिद्धि दीनी। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम ही भरत कुल पूज प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ के प्यारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति गोपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारा हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी दुंदु भी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के उर होई। आवागमन मिटे तिहि केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। और आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तीनहु काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सोनर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को जावे। सात दिवस जो नेम कर पाठ करे चितलाय, हरि दास हरि कृपा से अवसी भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जा। जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम। अब भी वक्त है पगले, तू भज ले राम का नाम। अब भी वक्त है पगले, तू भज ले राम का नाम। ना जाने हो जाए
कब इस जीवन की शाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। अहम की माला तोड़ के प्राणी सब कुछ राम पे छोड़ के प्राणी। सब कुछ राम पे छोड़ के प्राणी। हाथ जोड़ के कह दे सब तेरा है भगवान। भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। दो पल की है तेरी जिंदगानी क्यों करता है तू यूं मनमानी। तेरी मनमानी का सही होगा ना परिणाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का सब कुछ यही पर रह जाएगा कर्मों का लेखा ही काम आएगा। कर्मों का लेखा ही काम आएगा। इस सच्चाई को तू क्यों भूलता है नादान। भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम।